ये पूरा जो सीन चल रहा है ना, इसमें सबसे बढ़िया रिएक्शन इस बंदे का है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके साइड में बैठा हुआ बंदा सामने वाले को गाली निकाल रहा है उसे। क्या तमाशा है, क्या लगा है भाई? मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर। इस चीज के ऊपर नहीं बोलेगा। मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर। इस चीज के ऊपर नहीं बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मुअज्ज मलिक और मेरे साथ मौजूद है एजाजुद्दीन। भूल गया बातों। अच्छा जी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक फनी फेल्स की वीडियो। ट्रिगर्ड इंसान एक यूट्यूबर हैं हमारी तरह, बल्कि नहीं हमारी तरह कहना तो हीन होगी। वो बहुत आगे चले गए। मैं अभी उनके देख रहा था यार, 13 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, हमारे 6000 प्लस हैं, तो अभी काफी टाइम अचीवमेंट है, 6000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया है। अच्छा, तो उनकी ये मेरा 4 साल पुरानी ये वीडियो है, हम इनको देखेंगे। रोस्ट उन्होंने किया हुआ हमारा पाकिस्तानी मीडिया है, उसे कुछ फेल्स हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप पहले ही कर दें क्योंकि बहुत अच्छी होने वाली है, और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितना ही लीजिए ना। क्या? इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, प्रदेश, प्रांत या धर्म को हानि पहुंचाना नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली अ जोक। इसको जोक कितना ही लीजिए ना। क्या ट्रीटमेंट है इस हवाले से थोड़ी बात कर लेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ये मैंने देखी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, सांगर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर विलायत कितनी महान चीज पूछने वाला होगा मेरे से। एटीट्यूड चेक कर रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गए नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा आपको? क्या नहीं आ रहा आपको? आप बताइए आपको क्या नहीं आ रहा? कितना बर्गर है यार। भाई ये काम करो। बर्गर है यार, साउंड बैड। ये बाबा रामदेव का स्पेशल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला तेल है, इसको दिन में 3 बार अपनी धुन्नी पे मलना है, फिर देखो झरने बहेंगे झरने। तो आज हम देखने वाले हैं जब लाइव टीवी पर अजब गजब कारनामे होते हैं। एंड थैंक्स टू ओवेसिया फातिमा फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, जिसने मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया सजेस्ट किया। अगला सवाल जो मैं आपसे कर रही हूँ, वो आपने उसका सही जवाब देना। आपकी सही उम्र क्या है? कहते ना मर्द अपनी उम्र नहीं छुपाते। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सवाल है ये। शक्ल से तो लग रहा है कि ये बंदा भगवान से बस 2-3 दिन ही छुटा होगा। मेरी उम्र 40 साल और कोई 230 महीने थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। 40 साल अबे इतना तो लड़कियां नहीं शर्माती अपनी एज बताने से जितना अंकल जी शर्मा रहे। 40 साल 230 महीने। एक सेकंड, 230 महीने, 230 को 12 से डिवाइड करा तो आया 19, मतलब 59 ईयर। सीधा सीधा नहीं बोला जाता 59। 40 साल 230 महीने। आपने की कभी पहली मोहब्बत? आपको हुई है किसी से? ऐसे ना वो चेहरा है कि झूठ बोलोगे तो लरम बजेगा, सच बोलोगे तो आपकी बचत हो जाएगी। वो लग रहा है वो पिछले से झूठ बोला उसका लरम बज गया था। जी मैंने मोहब्बत की है, लेकिन पहली मोहब्बत मैंने अपनी बीवी फरीदा से की है। समझ रहे हो ना? वजह एनू लगता कि हूं घर जाके कुट पै जानी है कि दस तेरी पहली मोहब्बत कौन है। क्या तमाशा है, क्या लगा भाई? मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ क्या मैं? अंकल जी के तो लाइव टीवी पर चिट्ठे पत्ते खोल दिए। अंकल जी एक्सपोज्ड ऑन लाइव टीवी। अंकल जी को ये बुरा नहीं लग रहा कि उनका सच बाहर आ गया है कि भाई उनकी पहली मोहब्बत उनकी बीवी नहीं है। अंकल जी को तो सिर्फ ये डर लग रहा है साला घर जाके भूत छत्तर पड़ने वाले हैं, और उसके बाद अंकल जी के सम्मान में जो उनके ऊपर कूड़े की बरसात की गई है। मतलब ये आप मुझे बुला के, इतने साल मैंने काम करके फील्ड में झक मारी है, जो आप मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं पर्सनल लाइफ के चीजों के। तो बस करते रहिए अपना शो आराम से। अरे छोड़ो यार, बस ठीक है। मैंने पहले बताया था मजाक हो रहा है यार, मैं अब नहीं करूंगी इस तरह का शो। ज्योति ला रही है, खुद ही कर लो।
आएगी। चलो एक बारी को अंकल जी की नाराजगी समझ ज्योतिषी वालों की भी छोड़ के मांगे। हाँ वैसे हाँ, ये अक्सर ये मॉर्निंग शो या इस तरह के शो के ना ये सारे ड्रेसेस ये स्पॉन्सर होते हैं, ये किसी ना किसी ब्रांड का होगा और जनाब उन्होंने उसको दिया होगा। भाई अंकल जी की तो नेशनल टीवी पे ऐसी की तैसी कर दी गई, तो वो तो भाई गुस्से में निकल लिए, लेकिन ये होस्ट इसे क्या होगा, ये अपने चप्पल उतार के खाने निकल लिए। अरे चप्पल तो पहन के जा कम से कम। मैं जा रही, मुझे शो नहीं करना, ये चप्पलें भी तुम्हें रखो। चप्पल उतारने का क्या पॉइंट है भाई? अपने दिल की बात में आपको आज कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने शादी नहीं की, मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर हूँ। शट अप यार कमल, बहुत हो गया ये। देखिए क्या विषय है, नहीं मजाक बनाया तुमने मेरा, सारी दुनिया देख रही है, जा रहा हूँ मैं छोड़ने। बातें करती है यार बंदा, ये तो कैंची भी को रोक नहीं गा। मजाक ही किया है ना। देखिए इस तरह अब ये तो फरार होने वाली बात है ना, फिर ये तो फरार होने वाली बात है। तो भी गई तो लाइव टीवी पर मैडम अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाई, पति एकदम नल्ला है, ये शादी थोड़ी ना, जेल में आके फंस गई हूँ मैं, बट पति भी लाइक पागल है क्या? इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर हूँ। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर हूँ। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर हूँ। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर। इसके ऊपर नहीं बोलेगा। मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर। पूरी दुनिया के सामने क्यों तमाशा बना रही है, और पति उठ के निकल लिया, लेकिन होश पीला ही रुकी रुकी, अरे शो कैसे चलेगा आगे, रुकी रुकी। अभी हमने हमारी आखिरी कॉल, लेट्स सी ऑनलाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। लखनऊ की मरीज आए हैं एक और। हेलो हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? इसका आज भी बॉल पे जो शो चल रहा है वो भी इसी तरह का ही है, वीडियो कॉल, सॉरी वीडियो कॉल कह रहा हूँ, लाइव कॉल्स वगैरह करते हैं लोगों को। और कुछ नहीं, देख रहा था आपको प्रोग्राम, आज आप बहुत अच्छी लग रही बहुत। और आज आप बहुत अच्छी लग रही। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे की जान लोगे क्या? और आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। और दस किन्नी तारीफा चाहिए तेनू। अरे कब से तारीफे किए जा रहे हैं वो। और अबे बोल दिया उसने, आज आप अच्छी लग रही है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आपका शो बहुत अच्छा, आप ब्यूटीफुल लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। और भूख खा लो। और मुझे टट्टी नहीं आ रही। और कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। और तेरी मां के। और कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और मेरे को लग रहा है कि इनके आमद के अंदर क्या हो गया यार। मैं तो विदेश है। एक मिनट, देखिए मजाक मजाक एक अपनी जगह होता है, ओवर होने की जरूरत नहीं है यार। लेकिन मैं प्रदीप, आप किसी के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए, आप 10,000 आप लोगों को लोग देख रहे हैं, आप बकवास मत करें, खामोशी से बैठ जाए आराम से बोले। आप तमीज से ये थूक का खत्म करें, गलत बात हो रही है, खत्म करें तमीज से बोले। इनडायरेक्ट जुगत मार रहा था, बड़ी पैड़ी किस्म की, आपने सुना नहीं है? अहमद के कुछ कह रहा था तो अहमद 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 दुनिया में अहमद की बात हो रही है फिलहाल। अच्छा हाँ, शायद कोई और बात की हो। वो समझ गए, आप नहीं समझे। हाँ नहीं, मुझे नहीं समझे। ओवर नहीं, थप्पड़ मार दूंगा मैं मुंह पे खींच के, मर्जी है फिर आपने अगर नहीं करनी। ओवर क्यों कॉमेडी कर रहा है ये, शो पे बैठे हैं, लाइव है, तमीज होती है, तो जाहिर आदमी तमीज ले रहे हैं। ये पूरा जो सीन चल रहा है ना, इसमें सबसे बढ़िया रिएक्शन इस बंदे का है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके साइड में बैठा हो बंदा सामने वाले को गाली निकाल रहा है, उसे मार दे कुछ भी कर दे, नहीं इसको बहुत मजा आ रहा है। लड़ाई हो रही है, दो लोग लड़ रहे हैं, मजा आ रहा है, देखो सामने लड़की भी बैठी है। अबे मतलब इतनी खुशी किस बात की हो रही है इस बंदे को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई पाकिस्तानी शाहरुख खान है ना, किससे बात करती है? जी जी बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? भी खबी बोल बीता से भाई, अब बहुत मजे करते हो, लाल पहन के छुट्टी बने हुए खाते क्या कटी है ना, आज लड़की बन चुकी हो सकते हो, आप लड़की बन चुके बिल्कुल, हमें समझ आ गई है। आ गई दूसरी बार में समझ आई क्या पता लग गया, क्या बोला आवाज आ गई, पता वही आवाज को जा रही है, उसको भी पता लग गया।
समझ तो तुझे सब आया क्या बोला उसने, लेकिन इंसल्ट हुई है तो प्रिटेंड ऐसा कर रहे, तुझे समझ कुछ नहीं आया, आप लड़की बन चुके हो अब तो। अच्छा अच्छा, आवाज में कोई मसला तारिक भीम सर दोबारा कॉल कीजिएगा, और अगर ज्यादा दिल चाहे तो मेरे मोबाइल पे कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो तेरे को समझ नहीं आया था वो क्या बोल रहा था, अब तू उसको धमकी दे रहा है मेरे अपने नंबर पे कॉल करियो फिर बताऊंगा मैं। अबे बेइज्जती हो गई भाई, हो गई हो गई। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता है क्या करना है, नीचे लाइक वाले बटन को लाजमी सेम हेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब का सारा बटन दबा दो, और सारा कुछ दबा दें, और सारा कुछ दबा दें, और एपुरी में देखी है, जल्दी से जाएं हमारे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हैं, वो जाके चेक करें, बहुत ही काम के हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो पे तुझमें क्यों एक औरत आई हुई है जो मैंने बोली जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक रसाई हासिल कर सके। जय जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।